नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। कैमरून में आयोजित अफ्रीकी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एक मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में सोमवार को कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी है। इस घटना के बाद महाद्वीप के सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी के लिए मध्य अफ्रीकी देश की क्षमता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कैमरून में अफ्रीकी कप ऑफ नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम के बाहर मची भगदड़, जिसमें 8 लोगों की कम से कम मौत हो गई जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। ये घटना कैमरून की राजधानी में बने ओलंबो स्टेडियम में सोमवार को हुई। 24 जनवरी को अंतिम 16 राउंड का मुकाबला कैमरून और कोमोरोस के बीच था। इस मुकाबले को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान एंट्री गेट पर भगदड़ मच गई और अब इस घटना की जांच करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं कैमरून के मध्य क्षेत्र के गवर्नर नासेरी पॉल बिया ने कहा कि इस घटना में और लोगों की मौत होने की आशंका है। उन्होंने कहा, हम आपको अभी मरने वालों की कुल संख्या नहीं बता सकते और मैच देखने के लिए स्टेडियम के बाहर ज़्यादा संख्या में लोग आने के बाद भगदड़ मच गई, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। ओलंबो स्टेडियम की कुल क्षमता 60,000 दर्शकों की है। कोरोना की वजह से इसे सिर्फ 80% खोला गया था। चश्मदीदों का दावा है कि 50,000 से ज़्यादा लोग मैच देखने के लिए पहुंच गए, इसी दौरान भगदड़ मच गई। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को कुचलकर निकल गए। 40 घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल कैमरून की टीम क्वालिफाई की होड़ में अपने ग्रुप में सबसे नीचे पायदान पर है। कोमोरोस पर जीत के बाद कैमरून क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाती। ऐसे में अपनी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग मैदान में पहुंच गए। घटना के बाद स्टेडियम के अंदर मैच जारी रहा और इस मैच में कैमरून ने कोमोरोस को हराकर 2-1 से जीत हासिल की। भले ही मुकाबला जीत लिया हो, लेकिन बाहर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद इस मुकाबले को जारी रखने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।